हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई एम शूटिंग अ डे इन माय लाइफ। तो मेरी मॉर्निंग हो जाती है 5 AM इन द मॉर्निंग। सो यहाँ पे मैं उठ के सबसे पहले जाती हूँ किचन में, और किचन में मैं पीती हूँ अपना वाटर, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। उसके बाद जो मैं रात को बर्तन धोए होते हैं, मैं वो बर्तन लगाती हूँ शेल्फ में। उसके बाद मेरा फ्रेशन अप, मेरा ब्रशिंग, फेस वॉश, मेरा वॉशरूम, ये सब मेरा सारा चलता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बाहर आती हूँ, मैं सीधा गेट के बाहर चली जाती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपको नींद आ रही होती है ना, वो भाग जाती है। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेचिंग, अपना वॉकिंग, और वेदर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हो रहा है आज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और सुबह की मॉर्निंग हो रही है 6 बजे से, एक नई दिन की शुरुआत 6 दिन से। मैंने अपना वॉकिंग वगैरह कर लिया है। मेरी आईज में थोड़ी स्वेलिंग हो रही है आजकल, आपको पता आई फ्लू चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मेरी आईज में हुई थी आई फ्लू, लेकिन तब से ना रोज़ सुबह जब मैं उठती हूँ, मेरी इस आई में थोड़ा सा रेडनेस और हल्का सा स्वेलिंग रहती है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, अब हम करेंगे कि हमें क्या प्रिपेयर करना है मॉर्निंग में। मैंने अपना मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन अभी किया नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कल, आज नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मदर इन लॉ ने बोला काफ़ी टाइम से रखे हुए पोहे, तो वो मैं प्रिपेयर करूँगी पोहे। और ठीक है, अभी इतना। और शेवी के लिए टिफ़िन भी रेडी करना है, तो पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। मैंने फेस वॉश कर लिया था। फर्स्ट का ब्रेकफास्ट मैं बनाऊँगी ऑर्गेनिक पोहा, और मेरे पास ऑर्गेनिक पीनट्स भी हैं। तो अभी मेरी मदर इन लॉ नीचे से करी लीव्स लेकर के आ रही हैं, तो वो हम बनाएंगे। मैंने अभी पानी पी रही थी, मैं सुबह सुबह पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, जब से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो चलो हम स्किन केयर करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे शेवी उठने ही वाली है, तो उठने से पहले उसको इधर उधर होना होता है, और मैं आ गई हूँ अपना स्किन केयर करने। तो मैं गार्नियर से अपना पहले फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, गार्नियर लाइट कॉम्प्लेक्स से। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, डॉट एंड की का जो विटामिन सी मॉइस्चराइज़र है, मैं उसको यूज़ करती हूँ अच्छे से मसाज करने के बाद। उसके बाद मैं लगाती हूँ अपना सनस्क्रीन, जो कि अल्ट्रा यूवी का है, बहुत बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये। उसके बाद मैं लगाती हूँ अपनी गार्नियर की लाइट कॉम्प्लेक्शन क्रीम, जो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है, मेरे फेस को सूट करती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरा स्किन केयर हो गया है अभी फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग का। उसके बाद मेरा रह गया अभी लिप बाम, तो मैं बायोटिक का लिप बाम यूज़ करती हूँ, मिक्स फ्रूट का। तो शेवी बोल रही है लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो। मैंने कहा नो बेटा, अभी मॉर्निंग हो गई है, चलो खड़े हो जाओ। तो फिर अब मैं शेवी को फ्रेशन अप करने ले जाऊँगी, उसे थोड़ा सा कडल करना पड़ता है सो उठ के, उसको एक्टिव रहने के लिए। और आज मैंने शेवी को बात नहीं दिया है, क्योंकि अभी ठंडा हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो मैं इसको रात को ही बाथ दे देती हूँ, मैं मॉर्निंग में नहीं करती हूँ। तो मैंने इसको फिटेक से रेडी किया, हेयर टाई किया। बोलती है मम्मा जल्दी करो, मेरा जो फर्स्ट पीरियड है डांस का वो निकल जाएगा। तो वो टाइम से रेडी होके स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। गुड मॉर्निंग। स्कूल के लिए शेवी ने कल न्यू पैंट मंगाया, क्योंकि इसको स्कूल में मस्किटोज बहुत ज़्यादा काटते हैं। मैं कितना भी रोल ऑन लगा के भेज दूँ, तो कहीं ना कहीं उसके बम्स हुए रहते हैं मस्किटोज बाइट के। तो मैंने इसके लिए पैंट ले लिया, पैंट में भी थोड़ा स्कर्ट शॉर्ट होती है ना, इसलिए कहीं भी काट देते हैं मॉस्किटोज। ठीक है गाइस, अब मैं इसको ब्रेकफास्ट खिलाती हूँ, टाइम हो रहा है इसे भी, फिर मुझे भी रेडी होना है। फ्रेंड, शिवी का ब्रेकफास्ट हो गया, रेडी हो गया, मैंने उसे बाहर भेज दिया है, अब मैं रेडी होंगी। और अभी मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया है कि वो भी जिम आ रही है, वो घर आई हुई है रक्षाबंधन की छुट्टी में, तो फटाफट जिम ज्वाइन कर रही है। तो हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत 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 टाइम उससे मिल लूँ, लगभग मेरी शादी के बाद बहुत टाइम मिले थे, तो 6 to 7 years हो गया है। तो चलो आज उससे मिलेंगे, हम फटाफट से रेडी होते हैं। तो चलो रेडी, फटाफट अपने एसेसरीज रख देती हूँ, स्पेक्स, मेरी वॉच, so guys now I'm going to gym.
क्या? ऊपर तो बाइक है और तो गाइस मैंने शेवी को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ जिम। और जिम में आज मेरे को मेरी फ्रेंड मिलने वाली है। आज मैं आपको मिलाती हूँ अपनी फ्रेंड से। तो मैं जाती हूँ हल्क फिटनेस स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स अभी हो गया 7:45 और मैं अपनी ट्रेडमिल में आ गई हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं पहले की थोड़ा लाइट से ही शुरू करती हूँ अपना ट्रेडमिल पे, फिर धीरे 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 मैं उसके स्पीड 6 तक ले आती हूँ। और आज रिकॉर्डिंग करने का यही है कि डे इन माय लाइफ। और आज वैसे मेरी फ्रेंड आई और फ्रेंड के साथ वर्कआउट करने का कुछ अलग ही मज़ा है। सो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर हम दोनों बातें कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये हमारा पहले भी काम रहता है। यहाँ पे मेरा हो गया है, जो मेरा कार्डियो था वो सब हो गया है। और अब हम करेंगे थोड़ा एरोबिक्स। आज भैया को बोला है कि प्लीज़ हमें एरोबिक कराइए, थोड़ा स्ट्रेचिंग बॉडी, क्योंकि पहले हम यही करते थे जिम में थोड़ा बॉडी वार्म अप के लिए। तो अब हम थोड़ा सा एरोबिक करेंगे। A few moments later. Hey friends, so I'm back from gym और आप देख सकते हैं मुझे बहुत sweating हो गया है। और अभी 9 AM हो रहा है। मदर इन लॉ ने थोड़ी preparation कर दी है breakfast की। बाकी मैं पोहा बनाऊँगी। पोहा मैं खुद ही बनाती हूँ क्योंकि उनको ठीक से बनाना नहीं आता है जैसे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं peanut अच्छे से fry कर लेती हूँ और उसके बाद ये करी लीव्स देखे। करी लीव्स हमारी खेत की है, बहुत ही अच्छी और फ्रेश लीव्स, बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो यहाँ पर मैंने अपना घी गर्म कर लिया है। इसमें मैंने जखिया और करी पत्ते का तड़का दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए पोहे। पोहे को अच्छे से फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए, फिर हम डाल देंगे ऑल द स्पाइसी मसाले जिससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। कुछ लोगों को आमचूर डालना पसंद है, कुछ वेजेस डालना, लेकिन मैं सिंपल बनाती हूँ पीनट के साथ। और यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा पोहा। तो अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। तो शावर लेने के लिए मैंने निकाल दिए हैं कपड़े और बस चुटकियों में शावर हो जाता है क्योंकि फटाक से मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है। तो यहाँ पे मैंने शावर ले लिया है। अब मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर करूँगी, अपने बालों को ड्राई करूँगी, हेयर ड्राई करूँगी। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ अपने फेस में क्योंकि जब ऑलरेडी हुआ रहता है तो सिर्फ मैं टोनर करती हूँ। मुश्किल लग रहा है। सो गाइस मेरा पोहा इज़ रेडी क्योंकि बहुत टेस्टी है एंड माय टी इज़ रेडी। A few moments later. Guys, my breakfast is done. Finished. और बहुत अच्छा लगता है ना लाइट लाइट ब्रेकफास्ट करके। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, धुंध हो रही है पूरी। पानी घट जाता है खेत में थोड़ा। बारिश की आवाज़, बारिश मुझे बहुत पसंद है। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:30 और बस ब्रेकफास्ट वगैरह डन। मैंने बर्तन भी धो लिए थे, बाकी जो बाकी बर्तन थे वो मेरी मदर इन लॉ ने धो चुके थे अपने, जो उन्होंने खा चुके थे। मैं करती हूँ एडिटिंग अपनी क्योंकि अब मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ कुछ मुझे एडिटिंग करनी होगी, टाइम देना पड़ेगा जो जो मेरे पे टाइम है क्योंकि मुझे फिर 11:30 और 11:45 में शेवी को स्कूल लेने जाना होता है। और आज तो बारिश हो रही है, देखते कैसे लाते हैं उसको, रेनकोट के साथ लाऊंगी। तो चलो मिलते हैं 1-1.5 घंटे बाद। तब तक मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की एडिटिंग जो आपको रात को 9 बजे देखने को मिलेगी। ओके बाय। सो गाइस इट्स 45 और टाइम हो गया है शेवी को लाने का, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कैसे लाऊं, भीग ना जाए। मैंने सोचा बारिश बंद हो जाएगी लेकिन नहीं हो रही है, अब ऐसे ही लाना पड़ेगा। वैसे तो उसको बारिश बहुत पसंद है। मम्मा मेरा छाता लेकर के आना, तो उसका अम्ब्रेला लेकर जाती हूँ।
सो आके मिलते हो आप लोगों को, फ़ोन ले जा नहीं सकते क्योंकि फ़ोन वहाँ पे अलाउ होता नहीं है, और आप मेरी स्किन देख सकते हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं तो क्या लगाती है, मैं कुछ नहीं लगाती, मेरी नॉर्मल स्किन है, ये मेरी बिल्कुल नेचुरल स्किन है, मैंने कोई स्किन पे लगाया, हाँ मैंने ब्राउन लिपस्टिक लगाई है जो कि मुझे न्यूड शेड बहुत पसंद है एज ऑलवेज। तो चलो अभी अंधेरा इसलिए हो रखा है, पता है 11:30 हो रहे सुबह के, लेकिन अंधेरा हो रखा है। मैं मिलती हूँ आप लोगों को, शेवी को स्कूल से लेके मिलती हूँ क्योंकि बारिश में फ़ोन नहीं आ सकते, वरना मैं आपको दिखा दी हूँ कितनी हैप्पी होती है। तो चलो आके मिलते हैं। A few moments later. Guys, we are back, और मैं रेन कोट के बावजूद भी पूरी भीग चुकी हूँ। इसको भी ड्रेस के ड्रेस पूरे गीले हो गए, शूज वगैरह। छत में नहाना है तो थोड़ा उसको छत में ले जाती हूँ क्योंकि उसे घमोरिया भी हो रही है, और आपको पता है घमोरियों के लिए बारिश के पानी से अच्छा और कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे एक घरेलू नुस्खा बोल सकता है। तो थोड़ा उसको बारिश में ले जाती हूँ नहलाने के लिए, फिर फटाफट चेंज करेंगे। तो भाई आज मैंने लंच पे रखा है मसूर की दाल एंड उड़द की दाल, इसको बनाएंगे। मैंने प्याज टमाटर काट दिए और अब बनाएंगे दाल चावल फटाफट से, टाइम हो गया है 1:01 बजने वाला है। लंच इज रेडी, दाल भी बन गई है, और अब शेवी को खिला देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि उसको मुझे सुलाना होता है, उसको रेस्ट कराना होता है। तो शेवी कर रही है यहाँ पे लंच, उसका खाना ठंडा हो रहा है, आज अंधेरा अंधेरा हो रहा है बारिश की वजह से। सो शेवी, राइस राइस क्यों खाते हो? खाना आता है मेरे को, दाल खाना आता है, कुछ आप खाने आता है, आपको सब खाना आता है? मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा आप ओनली राइस क्यों खाते हो, आपको राइस पसंद है? क्यों, व्हाई? और क्या पसंद है आपको? मेरे को दाल पसंद है, दाल बहुत पसंद है। टीवीटी इसके साथ तो आप दाल खा नहीं रहे हो, आप तो राइस राइस खा रहे हो। ए यम्मी। एक्चुअली हम साउथ में थे, हैदराबाद में, तो वहाँ पे मोस्टली लोग, आपको पता है साउथ में राइस खाना बहुत पसंद करते हैं, ड्राई राइस और बॉयल राइस, तो इसने वहीं पे सीखा है बॉयल राइस खाना विद सॉल्ट एंड कभी घी, घी के साथ और कभी कर्ड के साथ, तो यही पसंद है उसको। सो मैं दाल वगैरह जो उसकी कमी रहती है दाल और सब्जी की, मैं रोटी के साथ खिला देती हूँ उसके साथ मिक्स करके। सो चलो अभी हम लंच करेंगे, मिलते हैं आपको बाद में। सो गाइस लंच हो गया है डन, और चुके हैं लंच करके, वो नीचे रहते हैं और शेवी भी उनके साथ चली गई आज, उसे रेस्ट करना नहीं है। मैंने भी किचन साफ़ कर लिया है, बर्तन धो दिए हैं, किचन क्लीन कर लिया है सब कुछ। तो अब मैं, हाँ अभी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है। सो गाइस अभी कुछ देर पहले मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैं ना ऑर्डर करके भूल जाती हूँ। तो मेरे ससुर जी पूछे इसमें क्या है, मैंने कहा पता नहीं मैं भूल गई, मैंने कहा हो सकता है राखी हो, लेकिन राखी वाखी कुछ नहीं है। अभी चलो इसको ओपन कर, मैं कितनी बुला करूँ, परसों ही मैं, मेरे को कोलैब आया था गाइस, ये डर्मा टच का, यानी बारिश की वजह से गीला गीला हो गया सब कुछ, डर्मा टच का डेली ग्लो ब्राइट एंड एवन स्किन टोन का मुझे कोलैब आया था, उन्होंने बोला था आपको इसके साथ कोलैब करना है, पहले आप यूज़ करेंगे तभी आप, अगर मैं ना झूठ झूठ आपको नहीं बताऊँगी कि आप, मेरे को ना कोलैब्स बहुत आते हैं लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं बनाती उस चीज़ का, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे रिव्यू करके क्या मिलेगा, अगर वो गलत, वो किसी के लिए रॉन्ग निकल गई तो लेकिन मैंने अब सोचा है पहले मैं इसको यूज़ करूँगी, मैं आपके सामने ही, मतलब व्लॉग तो डेली देख ही रही हूँ, मैं आपके सामने इसको डेली यूज़ करूँगी, और अगर मुझे कुछ इफेक्ट दिखा तो ही मैं आपको रिकमेंडेड करूँगी। ओके तो गाइस टाइम हो रहा है 2:30, और अभी रेस्ट करने का टाइम है, तो मैं सोती हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर के अभी तक बहुत कुछ हो जाता है। तो चलो मिलते हैं शाम को, और अभी मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है लेकिन अंदर इतनी ह्यूमिडिटी है ना, आप देख सकते हो। ओके गाइस रेस्ट करते हैं, मिलते हैं शाम को। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, और शेवी सो रही है, मैं बना रही हूँ अपनी चाय शाम की, क्योंकि मेरा गला पे थोड़ा थोड़ा ना आज बारिश में भीग गई हूँ, तो जब भी मैं बारिश में भीगती हूँ मेरे गले में कुछ शुरू हो जाती है, वही इचिंग हो रही है गले के अंदर, पता नहीं क्यों होता है जब भी भीगती हूँ। और शेवी अपनी नैप ले रही है,
तब तक मैं आराम से चाय पीती हूँ, वरना उसके साथ तो मेरी चाय ठंडी होकर मैं कप पी जाती हूँ, मुझे फील ही नहीं आता मैंने चाय पी है। तभी तो थोड़ा गले में दर्द है इसलिए चाय पी रही हूँ, गर्म गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। ओके, उसके बाद सोचते नाइट पर क्या बनाना है, तो तब तक चाय पीते हैं। सो अब मैं चाय पी रही हूँ। आज मैं दो बार भीग गई ना, एक तो मैं नहाई थी उसके तुरंत बाद मैं बारिश में चली गई, फिर तो माइंड से हेडेक हो रहा है और गले में भी दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है फैन को, लाइट जा ही रहती ना, ऐसी आवाज़ करता है। तो मैं चाय आ गई है मेरी और पतंजलि का छोटू सा जीरा बिस्किट। ये जीरा बिस्किट मुझे बहुत टेस्टी लगता है पतंजलि का, इसमें ना इसमें जीरे लगे रहते हैं बिस्किट में। ओके गाइस, तो अब मैं इसको एंजॉय करती हूँ अपनी टी और अपनी बिस्किट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, गुड इवनिंग। शेवी भी सो के उठ गई है, अभी उसका मूड थोड़ा ऑफ है क्योंकि आज वो बहुत लेट सोई थी, कम से कम वो 4 बजे सोई थी। शेवी हाय बोलो, हाय बोलो। तो अभी थोड़ा मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ। देखो पहाड़ कुछ ऐसे हो रहे हैं। मेरे को ना ऐसा मौसम पसंद नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, और वैसे जहाँ हम रहते हैं वो बहुत सुनसान। आज हम बना रहे हैं आलू मटर। बोलो इसमें, जब आप छोटे थे आप कैसे करते थे? एंड आपकी फेवरेट मैगी है? yes. गाइज इसने अभी मुझसे मैगी बनवाई और वहाँ उसकी मैगी ठंडी हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है चाय। आप देख सकते हो हम पहाड़ी कितनी चाय पीते हैं, हमारा नशा इसी में ही है। okay, टेस्टी टेस्टी लुकी सब्जी। ओहो भाव आ गया। करो जी, सो इधर करो, ठीक से करो, उधर देखो फेस, इधर तक इधर से करो ठीक से। आपको पता है फ्रेंड्स ये इतनी पागल क्यों हो रही है? क्यों आप इतने खुश क्यों हो? हाँ बीमार हो जाता है, ले बीमार पड़ जाती है। एक्चुअली इसका मैगी बना है इसलिए, है ना, इसलिए हैप्पी हो रहे हो ना, ड्रामा क्वीन। इधर देखो, कर्ली हेयर, कर्ली हेयर, वेरी फेयर। चलो क्यों के बाद बताओ। आर फॉर रैबिट। एज फॉर शिप। सो फ्रेंड्स, अब शिवी का स्टडी टाइम हो गया है 8 o'clock। यू फॉर अम्ब्रेला, टी फॉर टाइगर, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉल, जैसे हमारी वॉल है। अभी हो रहा है 9 और हम कर रहे हैं डिनर। मैंने बनाई है सिमई सब्जी और दाल। A few moments later. Hey guys, so dinner done and time हो रहा है 9:30। जा चुके हैं नीचे सोने के लिए। गाइस मैं ना एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। W for wall. गाइज मैं कल का व्लॉग मैंने संडे से सोचा था मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी डेली, लेकिन मेरा इतना लेंथी व्लॉग हो गया है ना, 24 मिनट्स का, मैंने वो 8 बजे से अपलोडिंग में लगाया है। लिटरली अभी 9:45 हो गया है, वो अपलोड ही नहीं हो रहा है, और मेरे व्लॉग एकदम से हो जाते थे, इसको पता नहीं क्या इशू हो रहा है। तो अब शायद ये आपको थोड़ा लेट मिलेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं उसको एडजस्ट कर पाऊँ डे बाई डे का व्लॉगिंग, है ना। तो ट्यूसडे को जाएगा मेरा संडे का व्लॉग, और ये व्लॉग आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा। एनीवेज गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, एंड हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, उससे आपको मेरे ब्लॉग के नोटिफिकेशन इजिली मिलते रहेंगे। बाय, गुड नाइट, स्लीप वेल। मैंने इसको डांटा, देखो कैसे गुस्सा कर रही है। शेवी, शेवी कितनी बड़ी चिपिया है फैन के सामने। खिड़की के बाहर क्या अटक, देखो। तो इसको गुस्सा भी
गुस्सा आने लगा है। हाँ, 3 साल की एज में इस बच्चे को गुस्सा आता है। टाइम 10 बज गया है, खुद तो ये लेट में सोई, हाँ, और मुझे भी नहीं सोने दे रही है। 10 बजने वाला है, चलो सो जाए। ओ अच्छा, शी भी सो गई। गाइस अब हम भी सो जाते हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।